हार्वी वाइनस्टीन के सेक्स स्कैंडल ने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में भूचाल ला दिया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी यौन शोषण के मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं, या फिर यूं कहें कि फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के ऊपर खुली बहस हो रही है। इस बीच अपनी फिल्म करीब करीब सिंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इरफान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि खुद उन्हें काम के बदले लड़कों के साथ एक रात गुजारने के ऑफर आए। जो सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड होती है तो वहाँ जिस भी जेंडर का बस पड़ता है, अगर अगर आदमी के पास ज़्यादा पावर है तो वो औरत का शोषण करता है, अगर औरत के पास ज़्यादा पावर है तो वो आदमी का शोषण करेगी ही। अगर सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ सेक्सुअली सप्रेशन कम है, और हमारे यहाँ की सोसाइटी में भी सेक्सुअल सप्रेशन है। हमने बहुत सारी इसके पीछे जो है कंडीशंस लगा रखी हैं, हमने बहुत सारे वैल्यूज लगा रखे हैं। हम कोई भी खड़ा होकर जज कर सकता है दो लोगों के रिश्ते को लेकर, तो ये एक हेल्दी साइन तो नहीं है। और शोषण होता है लोगों का, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हर फील्ड में होता है, वो सिर्फ फिल्म लाइन तक महदूद नहीं है। वो हर लाइन के अंदर जब जब सेक्सुअल सेपरेशन रहेगा तो आदमी जो है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। तो पहले पर्दे पर फिल्मों की चमक दमक के आगे सब कुछ सही लगता है, लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह बॉलीवुड में एक और दुनिया चलती है जो सामने से नहीं दिखती है, और जिसको लेकर लोग बात करने में भी शर्माते हैं या फिर किनारा कर लेते हैं। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।